तो थोड़ी देर पहले हमने ये देखा कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश पर साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, तृतीय चतुर्थांश पर टेन और कॉट धनात्मक होते हैं और चतुर चतुर्थांश पर कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। तो अभी हम ज्ञात करने वाले हैं 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा का मान साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट के लिए क्या होता है। तो इसके लिए आपको दो महत्वपूर्ण नियम हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो इसमें से पहला नियम यह कहता है कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय फलन बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? साइन जो है वो कॉस में बदल जाता है, कॉस जो है वो साइन में बदल जाता है, इसी तरीके से टेन कॉट में बदल जाता है और कॉट टेन में बदल जाता है। इसका मतलब ये कि अगर आप इन दोनों को याद रखें, इन दोनों को, तो आप ये दोनों को डिराइव कर सकते हैं। तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है और टेन कॉट में और कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, शेष चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार होगा। अब ये क्या बात हुई, चलिए समझते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा, इन तीनों कोणों को हम ज्ञात करते हैं। थीटा का जो मान है ये 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होगा। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, ये 0 डिग्री की लाइन है, ये 90 डिग्री की लाइन है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है। तो 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये है कि ये प्रथम चतुर्थांश पर होगा 90 माइनस थीटा। पहला नियम, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। साइन थीटा जो है ये कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कॉस और यहाँ पर ये थीटा, इस वजह से थीटा। और 90 माइनस थीटा में सारे त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहला नियम, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। पहले हम साइन थीटा लिख लेते हैं, ये जो थीटा है, इस वजह से ये थीटा। अब देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब प्रथम चतुर्थांश पर धनात्मक होता है। कॉस थीटा 90 माइनस थीटा मतलब कॉस प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होता है, इसलिए हमें यहाँ पर जो मान मिलेगा ये साइन थीटा होगा। इसी तरीके से टेन 90 में चेंज होगा, ये हो जाएगा कॉट और थीटा। क्यों? प्रथम चतुर्थांश में सभी फलन धनात्मक होते हैं, इस वजह से 90 माइनस थीटा के लिए जो मान हमें मिल रहा है ये सभी के सभी धनात्मक होंगे। अब हम चलते हैं 90 प्लस थीटा के लिए। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब है 90 और 180 के बीच में। इसका मतलब ये कि 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश पर है। पहला नियम लगाते हैं, 90 प्लस थीटा है यहाँ पर तो त्रिकोणमितीय फलन बदल जाएगा। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। तो साइन का कॉस थीटा, 90 प्लस थीटा, साइन जो है वो द्वितीय चतुर्थांश पर धनात्मक होता है, इसलिए हमें धनात्मक मान मिलेगा और धनात्मक है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं कॉस 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश है और हम देख रहे हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, शेष सभी ऋणात्मक होते हैं। तो 90 प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय फलन बदल जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहला हमें पहला नियम लेना है, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय फलन बदल जाएंगे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में। ठीक है, तो कॉस 90 प्लस थीटा हमें निकालना था। तो पहला नियम के तहत साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा में बदल गया। फिर द्वितीय चतुर्थांश पर कॉस थीटा नेगेटिव होता है, इस वजह से यह चिन्ह लगा है। तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से टेन ऑफ 90 प्लस थीटा, देखिए द्वितीय चतुर्थांश पर टेन जो होता है वो ऋणात्मक होता है। चलिए पहला नियम हम लगा लेते हैं, 90 प्लस थीटा के लिए टेन किस में कन्वर्ट होता है? कॉट में कन्वर्ट होता है। तो हम लिख देंगे कॉट थीटा।
द्वितीय चतुर्थांश में टेन निगेटिव होता है, इसलिए हमें मिलेगा माइनस कॉट थीटा। चलिए अब चलते हैं 180 प्लस थीटा के लिए। 180 प्लस थीटा, ये 180 और 270 के बीच में तृतीय चतुर्थांश पर होगा। तो पहला नियम है कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में बदलता है, लेकिन यहाँ पर तो 180 है तो इसके लिए हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बड़े आराम से साइन थीटा लिख दीजिए। लेकिन 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश पर आता है और तृतीय चतुर्थांश पर साइन जो होता है वो निगेटिव होता है, तो इस वजह से हमें मिलेगा माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा, ये 180 डिग्री है, 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश पर होगा। पहला नियम यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, तो 180 प्लस थीटा तो हम पहले लिख लेंगे कॉस थीटा। और तृतीय चतुर्थांश पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, शेष सभी ऋणात्मक होते हैं, इस वजह से हमें मिलेगा ये माइनस कॉस थीटा। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। टेन ऑफ 180 प्लस थीटा, तो पहले आप लिख लेंगे टेन थीटा, और 180 प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय फलन में टेन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये जो मान हमें मिलेगा ये धनात्मक मिलेगा। तो टेन ऑफ 180 प्लस थीटा टेन थीटा होगा। तो हमने ये दो नियमों को उपयोग में ला करके साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा, और ये ज्ञात कर लिए हैं। इसी तरीके से आप 270 डिग्री के लिए प्लस माइनस और 360 डिग्री के लिए प्लस माइनस आप ज्ञात कर सकते हैं। माइनस थीटा के लिए भी आप जो ज्ञात करेंगे वो 360 माइनस थीटा होगा। तो पहले हमने डिस्कस किया था कि 0 डिग्री की लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव है, लेकिन अगर क्लॉकवाइज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज करेंगे तो हमें निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं लिखूं साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये जो माइनस थीटा है ये चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो हमें जो मिलेगा ये मिलेगा माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस ऑफ माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब चतुर्थ चतुर्थांश, और चतुर्थ चतुर्थांश पर कॉस धनात्मक होता है तो हमें मिलेगा कॉस थीटा, और टेन ऑफ माइनस थीटा अगर हम हल करें तो हमें मिल जाएगा माइनस टेन थीटा। कॉस थीटा को सम फलन कहते हैं, वो इसी वजह से कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो इसका भी उपयोग आगे चलकर होगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, और टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। तो कुछ एंगल है जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हमने साइन कॉस और टेन ये टेबल को बनाया था थोड़ी देर पहले। अब हम आगे जो एंगल्स मिलेंगी 120 डिग्री, 135, 150, 180, 270 और 360, और इसके बीच में भी और कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स मिलेंगे, उसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं ये हम देखेंगे। तो चलिए इसको जानने के पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ये निर्देशाक्ष है, ये एक्स, ये एक्स डेस, ये वाई और ये वाई डेस। यदि इसको एंगल वाइज देखा जाए तो ये 0 डिग्री की लाइन है, ये 90 डिग्री की लाइन है, ये 180 डिग्री की लाइन है, ये 270 डिग्री की लाइन है, और अगेन जब ये एक चक्कर पूरा कर लेंगे तो ये 360 डिग्री की लाइन है। 0, 90 को हम लिखते हैं पाई बाई 2 रेडियन, 180 को लिखते हैं पाई रेडियन, 270 डिग्री को लिखते हैं 3 पाई बाई 2 रेडियन, और 360 को लिखते हैं 2 पाई रेडियन, ये आपको पता है। तो ये जो एंगल्स हैं इसको हमने रेडियन में भी कन्वर्ट कर लिया, तो इसकी इक्विवेलेंट ये डिग्री में वैल्यू है। ये प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय चतुर्थांश है, और यह चतुर्थ चतुर्थांश है। तो आपने ये देखा था कि प्रथम चतुर्थांश पे सभी त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, दूसरे चतुर्थांश पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे चतुर्थांश पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथे चतुर्थांश पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो दूसरे चतुर्थांश पर साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब ऋणात्मक होगा, तीसरे चतुर्थांश पर टेन और कॉट के अलावा बाकी सब त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होगा, चौथे चतुर्थांश पर कॉस और सेक के अलावा शेष जो त्रिकोणमितीय फलन है वह ऋणात्मक मान लेगा। तो जीरो, साइन जीरो के लिए हमने देखा था कि ये मान हमें जीरो प्राप्त होता है, साइन 30 या फिर पाई बाई 6 रेडियन के लिए ये मान आपको 1/2 प्राप्त होता है,
45 डिग्री के लिए ये आपको 1/√2 यह प्राप्त होता है। साइन 60 डिग्री ये आपको √3/2 प्राप्त होता है, और साइन 91 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें, इस तरफ से ये 1, ये वाला 1, फिर √3/2, 1/√2 और ये 1/2 और 0। तो इस तरीके से ये कॉस की वैल्यू आ जाती है, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 या π/3 रेडियन 1/2, और कॉस 90 या फिर कॉस π/2 रेडियन 0। और आपको यह पता है कि टेन थीटा जो होता है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो इन दोनों का जब अनुपात लेंगे तो हमें टेन का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री के लिए मिल जाएगा। तो देखिए 0/1 ये आएगा 0, 1/√3/2 तो इसे आप हल करेंगे तो मिल जाएगा 1/√3, 1/√2 और 1/√2 को आप भाग देंगे या अपॉन लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1, √3/2/1/2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा √3। अब आ रहे हैं 1/0 पर, ये इन्फिनिटी होता है, या फिर इसको हम अपरिभाषित ऐसा भी लिखते हैं, अपरिभाषित है। तो इस तरीके से हमने साइन कॉस और टेन के लिए ये मान को देख लिया। अब आ जाते हैं कॉट पर, तो ये जो कॉट थीटा होता है ये 1/10 थीटा होता है, तो यहाँ पर जो मान लिए गए हैं इसको 1/ करके आप लिखेंगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। तो 1/0 इन्फिनिटी, या फिर ये अपरिभाषित है। इसी तरीके से 1/1/√3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा √3, 1/1 आपको मिलेगा 1, 1/√3 ये इस तरीके से मिल जाएगा, और ये मान आपको मिल जाएगा 0। अब आ जाते हैं सेक पर, तो ये जो सेक थीटा होता है ये 1/cos थीटा होता है, सेक कॉस का अपोजिट, कॉस का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर सेक 1, सेक 0 आपको 1 मिलेगा, कॉस 30 √3/2 है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2/√3, कॉस 45 1/√2 है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा √2, कॉस 60 1/2 है यहाँ पर आपको मान मिल जाएगा 2, और यहाँ पर कॉस 90 ये 0 है तो इसके लिए आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी। कोसेक, तो ये जो कोसेक थीटा होता है ये 1/sin थीटा होता है, तो यहाँ पर 0 है तो 1/0 करेंगे तो आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी, या फिर अपरिभाषित है ऐसा। 1/2 को आप 1/ लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, 1/1/√2 इसे सॉल्व करेंगे मिल जाएगा आपको √2, फिर √3/2 इसको 1/ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2/√3, और इसी तरीके से 1/1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से हमने छह त्रिकोणमितीय फलन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के लिए 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का एंगल अब निकाल लिया है। अब हम बात करेंगे 120, 135, 150 डिग्री के लिए। तो देखिए 120 डिग्री है, इसे आप 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर 90 प्लस थीटा आ रहा है, थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था कि 90 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय फलन बदल जाता है, और 270 प्लस माइनस थीटा में भी त्रिकोणमितीय फलन बदल जाता है। वो कैसे? साइन जो होता है वो कॉस में, कॉस जो होता है वो साइन में, टेन जो होता है वो कॉट में, कॉट जो होता है वो टेन में। तो ये तीन आप याद रखिए, ये चौथा आपको याद हो जाएगा। और दूसरा शेष जो चिन्ह है वह चतुर्थांश के अनुसार होता है। देखिए अब यदि मुझे निकालना है साइन 120, तो साइन 120 डिग्री इक्वल टू मैं लिखूंगा साइन 90 प्लस 30। 90 प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय फलन बदल जाएगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। तो आप इसे लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस 30। अब कॉस 30 का मान देखिए, ये 30 और ये कॉस है √3/2, तो आप यहाँ पर लिखेंगे √3/2। द्वितीय चतुर्थांश पर 0 से लेकर के 180 अंश के बीच में साइन जो होता है वो पॉजिटिव मिलता है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो सभी के सभी धनात्मक मान होंगे।
अब 135 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 45। साइन का यदि हमें 135 निकालना हो तो दोनों पक्षों में आप साइन ले लीजिए, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो इस तरीके से आप लिखेंगे कॉस 45 डिग्री। अब कॉस 45 है आपका 1/√2, तो यहाँ पर जो मान आएगा ये आएगा 1/√2। अब आ जाते हैं 150 डिग्री पर, तो 150 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 60, साइन दोनों ओर हम साइन लगा देते हैं, 90 प्लस थीटा में ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब यहाँ पर थीटा 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान है 1/2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2। फिर साइन 180 डिग्री ये वैल्यू होती है 0, साइन 270 डिग्री ये होता है -1 और साइन 360 डिग्री ये होता है 0। तो इस बीच में 180 से 270 और 270 से 360 के बीच में और एंगल्स मिलेंगे, जैसे कि 210 डिग्री, ये 210 डिग्री जो होता है ये 7π/6 रेडियन के बराबर होगा। इसी तरीके से 225 डिग्री भी स्टैंडर्ड एंगल है, इसे आप लिखेंगे 5π/4। फिर आ जाते हैं 240 डिग्री पर, तो 240 के लिए आप लिखेंगे 4π/3 रेडियन। फिर 270 डिग्री यहाँ पर है, ये हमने लिखा हुआ है 3π/2। इसके बाद में 300 डिग्री जो है ये 5π/3 आएगा। इसी तरीके से 315 डिग्री ये होगा 7π/4 रेडियन, और 330 डिग्री ये इसे आप लिख सकते हैं 11π/6 रेडियन, और 360 डिग्री को आप लिखेंगे 2π रेडियन। तो ये जो 330 डिग्री है इसे आप 360-30 डिग्री लिख सकते हैं। इसी तरीके से 315 या 315 डिग्री है इसे आप 270+45 डिग्री लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। 300 डिग्री है इसे आप दो तरीके से लिख सकते हैं, 270+30 डिग्री करेंगे तब भी आपको 300 मिलेगा, या फिर 360-60 करेंगे तब भी आपको 300 डिग्री मिलेगा। तो इस तरीके से दोनों का यूज़ करके आप ये एंगल निकाल सकते हैं। 240 डिग्री को आप 270-30 डिग्री भी लिख सकते हैं, या फिर 180+60 डिग्री भी लिख सकते हैं। 225 डिग्री इसे आप 180+45 लिख लीजिए, 270 माइनस के फॉर्म पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने 180+45 ले लिया। इसी तरीके से 210 डिग्री जो है ये 180+30 डिग्री करेंगे तो आपको ये मान मिल जाएगा। तो ये कन्वर्जन किस तरीके से होता है आप इन एंगल्स के लिए, बाकी सबको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक यूनिट सर्कल बनाते हैं, इकाई वृत्त बनाते हैं, इकाई वृत्त का मतलब है ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या जो है वो इकाई हो। तो यहाँ ये ओ है और ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। इस बिंदु का निर्देशांक होगा 1, 0, इस बिंदु का निर्देशांक होगा 0, 1, इस बिंदु का निर्देशांक होगा -1, 0, इस बिंदु का निर्देशांक होगा 0, -1। तो इस तरीके से आपको चार बिंदुएं मिल गई। तो आपने थोड़ी देर पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमिका को जब हमने सिद्ध किया था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो वहाँ पर आपने देखा था कि अगर कोई बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं पी और ए बी, तो यहाँ पर ये जो पी ए बी है इसके लिए आपको मिला था ए इक्वल टू कॉस एक्स और बी इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर जो एंगल बनने वाला यदि एक्स है तो पहला कोऑर्डिनेट होता है पी, ये कॉस एक्स, दूसरा कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है साइन एक्स के लिए। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो रेखा है ये खुद अपने आप में 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कॉस 0 ये पहला पॉइंट जो होगा ये कॉस 0 होगा, और दूसरा पॉइंट जो होगा ये साइन 0 डिग्री होगा। यहाँ पर देखिए ये 1, 0 है, तो आपको मिल जाएगा 1, 0, कॉस 0, 1 और साइन 0, 0। इसी तरीके से यहाँ पर पाई बाई 2 या फिर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप लिखेंगे कॉस 90 और साइन 90। तो देखिए यहाँ पर 0 और 1 है, तो इसका मतलब ये कि कॉस 90 0 है और साइन 90 1। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप लिखेंगे कॉस 180 और ये साइन 180 डिग्री।
ये कोऑर्डिनेट जो मिल रहा है आपको माइनस वन और ज़ीरो मिल रहा है, इसका मतलब ये कि कॉस 180 माइनस वन और साइन 180 ज़ीरो। इसी तरीके से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये कंप्लीट ऐसा एंगल, ये 270 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस 270 और साइन 270 डिग्री, ये वाला एंगल, और यहाँ पे हमको मिल रहा है ज़ीरो माइनस वन, इसका मतलब ये कि कॉस 270 ज़ीरो और साइन 270 माइनस वन। अब ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है इसे आप 360 के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, कॉस 360 और साइन 360, ये अगेन आपको मिल जाएगा 1 0, कॉस 360 1 और साइन 360 0। तो इस तरीके से आप यूनिट सर्कल को यूज़ करके, उसके लिए आप किसी भी कोण का मान बड़े आसान तरीके से याद कर सकते हैं इसको विजुलाइज़ करके, इस यूनिट सर्कल को विजुलाइज़ करके। तो चलिए, ये हमने नियमों की बात कर ली, तो इन सभी नियमों का उपयोग करके हम कॉस 10 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं 120 डिग्री के लिए। तो कॉस 120 जो डिग्री है इसके लिए वैल्यू आपको मिलेगा -1/2, फिर 135 ये मिल जाएगा आपको -1/√2, कॉस 150 डिग्री ये मिल जाएगा -√3/2, कॉस 180 ये देखिए कॉस 180 माइनस वन, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए कॉस 180 माइनस वन, 270 ज़ीरो और 2π ये 1 आ गया। इसी तरीके से हम 10 की वैल्यू साइन अपॉन कॉस से निकाल सकते हैं, तो 10 120 जो डिग्री है ये आपको मिल जाएगा -√3, इसका और इसका अनुपात ले लेंगे, इसका और इसका अनुपात लेंगे तो आपको मिल जाएगा -1, इसका और इसका अनुपात लेंगे तो मिल जाएगा -1/√3, इसका और इसका अनुपात लेंगे तो आपको मिल जाएगा 0, ये इन्फिनिटी आ जाएगा या फिर अपरिभाषित है, और इसका अनुपात लेंगे तो आपको मिल जाएगा 0। अब आपको साइन कॉस और टेन के लिए ये एंगल्स मिल गए हैं, 1/ करेंगे, जैसे कि 10 का जो मान हमें मिला है उसको 1/ करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉट, जैसे कि कॉट थीटा 1/10 थीटा होता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल आपको मिला है इसे आप 1/ कर दीजिए तो मिल जाएगा -1/√3, ये मिल जाएगा आपको -1 और ये मिल जाएगा आपको -√3, कॉट 180 ये इन्फिनिटी होगा, कॉट 270 ये 0 होगा, और कॉट 360 डिग्री ये आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी। इसी तरीके से सेक जो होता है ये 1/ कॉस होता है, कॉस का मान यहाँ पर है -1/2, इसको 1/ करेंगे तो आपको मिल जाएगा -2, इसी तरीके से इसको आप 1/ में लिखेंगे तो मिल जाएगा -√2। यहाँ पर ये कॉस 150 -√3/2 है, इसे आप 1/ लिखेंगे तो आप लिखेंगे -2/√3, सेक 180 ये 1/ करेंगे तो आपको मिल जाएगा -1, इसी तरीके से इसको 1/ करेंगे तो आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी, और 1/1 करेंगे आपको मिल जाएगा 1। कोसेक थीटा जो होता है ये 1/sin थीटा होता है, तो जो मान आपको साइन के लिए मिला है उसका 1/ कर लीजिए, ये है √3/2 तो ये आपको मिल जाएगा 2/√3, ये मिल जाएगा आपको √2, ये मान मिल जाएगा आपको 2, कोसेक 180 ये आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी, कोसेक 270 ये मिल जाएगा आपको -1, और कोसेक 2π या फिर 360 ये आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी। तो इस तरीके से इन नियमों का उपयोग करके आप यहाँ पर जो और कुछ स्टैंडर्ड एंगल बने हैं 210 डिग्री 225 240 300 315 330 और 360 डिग्री के लिए शेष त्रिकोणमितीय फलनों के इन मानों को आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए साइन 315 डिग्री। तो इसे हल करने के पहले हमने जो चतुर्थांश की अवधारणा देखी थी, ये कि ये 0 डिग्री की लाइन होती है, ये 90 डिग्री की लाइन है, ये 180 डिग्री की लाइन है, ये 270 डिग्री की लाइन है, और अगेन ये 360 की लाइन है। जब एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं तो ये 360 हो जाता है। तो देखिए कि ये 315 डिग्री ये 270 से ज़्यादा है और 360 से कम है, इसका मतलब है कि ये चौथे चतुर्थांश पर कहीं पर स्थित होगा। तो या तो इसे आप 270 प्लस समथिंग डिग्री या फिर 360 ऋण समथिंग डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए ये 315 है, इसे आप लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 315 डिग्री। तो ये साइन 270 प्लस थीटा के फॉर्म पर है।
तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि साइन 270 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। तो साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में कन्वर्ट होता है, तो ये कॉस थीटा होगा। लेकिन 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पर सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? ये माइनस कॉस 45 डिग्री। अब कॉस 45 होता है 1/√2, तो इस तरीके से इसका जो उत्तर होगा ये मिलेगा -1/√2। तो हम लिख सकते हैं साइन 315 डिग्री इक्वल टू -1/√2। ये है उत्तर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कॉस 210 डिग्री। अब ये जो 210 अंश है ये तीसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। ये 180 अंश से बड़ा है लेकिन 270 अंश से छोटा है। तो इसे आप 180 प्लस थीटा के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं और 270 माइनस थीटा के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इसे मैं लिखूंगा 270 माइनस 60 डिग्री। 270 माइनस 60 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 210। अब फिर से कॉस है 270 माइनस थीटा, तो 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है, तो ये साइन थीटा होगा। अब हम जानते हैं कि पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये जो 210 डिग्री है, 210 डिग्री है कॉस, ये तृतीय चतुर्थांश में है, तो कॉस 210 डिग्री जो होगा वो माइनस में होगा। अब आगे देखते हैं, साइन 60 डिग्री ये होता है √3/2, ये माइनस साइन के साथ में हमें मिलेगा -√3/2। तो इस तरीके से हमें मिला कॉस 210 डिग्री इक्वल टू -√3/2। ये इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कॉस ऑफ -480 डिग्री। तो आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा, एज वी नो कि कॉस ऑफ माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है, तो इसे हम इक्वल टू कॉस 480 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये देखिए कि ये जो 480 है ये ग्रेटर देन 360 है, मतलब 360 अंश से बड़ा मान है। तो इसका मतलब ये कि ये जो एंगल का मेजरमेंट है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक चक्कर लगा चुका है, इसके बाद ये सेकंड चक्कर की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो 480 डिग्री है इसे हम लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। तो चलिए इसे लिख लेते हैं, कॉस ऑफ माइनस 480 इक्वल टू कॉस 480 हो गया था, तो ये आगे हमें क्या मिल जाएगा? कॉस ऑफ 360 प्लस 120 डिग्री। आपको ये पता है कि कॉस ऑफ एन इंटू 360 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा। इसका मतलब ये कि एन इंटू 360 का मतलब है ये जो एंगल है ये एन चक्कर लगा चुका है और उसके बाद में ये हमें थीटा मिल रहा है आगे। तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री की अगर वैल्यू आपको पता है तो आप सीधे लिखेंगे, और अगर आपको नहीं पता है तो इसे लिख लीजिए कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 प्लस थीटा के फॉर्म पे है, तो 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज होगा? पहली बात है ये साइन में चेंज होगा। कॉस 90 प्लस थीटा इसका मतलब है कि यह द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित है और दूसरे चतुर्थांश पे कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है, इस वजह से ये माइनस साइन 30 होगा, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और माइनस साइन के साथ हम यहाँ पर लिखेंगे -1/2। ये किसकी वैल्यू है? कॉस ऑफ -480 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, हमें ज्ञात करना है साइन -1/125 डिग्री। अब साइन ऑफ माइनस थीटा आपको पता होना चाहिए, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां से आप लिखेंगे इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 1/125 डिग्री।
अगर हम 1125 डिग्री को 360 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 45/360। इसका मतलब ये कि 360 से 1125 को भाग देंगे तो ये हमें 3 पूर्णांक मिलेगा और 45 शेषफल मिलेगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे माइनस ऑफ साइन इनटू 3 टाइम्स 360 डिग्री प्लस ये 45 डिग्री। अब देखिए साइन एन इनटू 360 प्लस थीटा ये भी होगा साइन थीटा। तो इसका हम यहाँ पर अगर इस्तेमाल करें तो ये 3 ये प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर जो ये थीटा है वो पूरा 1 चक्कर 2 चक्कर और ये 3 चक्कर लगा चुका है। उसके बाद ये 45 डिग्री यहाँ पर कहीं पर ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री और साइन 45 होता है 1/√2। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 1/√2। ये वैल्यू है साइन ऑफ माइनस 1125 की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोसेक ऑफ 390 डिग्री। 390 डिग्री जो है ये 360 से बड़ा है। इसका मतलब ये कि ये जो एंगल है ये पूरा 1 चक्कर लगा चुका है। तो 390 को हम लिख सकते हैं 360 प्लस 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा इक्वल टू कोसेक 360 प्लस 30 डिग्री। चाहे तो आप इसे साइन में कन्वर्ट करके भी हल कर सकते हैं और अगर आप सीधे मान निकालना चाहते हैं तो आप इसे सीधे भी हल कर सकते हैं। तो कोसेक 360 प्लस थीटा ये कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री इसे आप लिख सकते हैं 1/sin 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। इसे जब आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कोसेक 390 डिग्री इक्वल टू 2। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठवां प्रश्न है कॉट ऑफ 570 डिग्री। ये आपको ज्ञात करना है। फिर से देखते हैं पहले चक्कर में 360 डिग्री होगा, दूसरे चक्कर में 720 डिग्री होगा। 360 को 2 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 720। तो ये 360 से बड़ा है लेकिन 720 से छोटा है। तो इसे हम 360 प्लस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे आप लिखेंगे कॉट 360 प्लस 210 डिग्री। कॉट 360 प्लस थीटा ये आपको मिलेगा कॉट थीटा, कॉट 210 डिग्री। अब देखिए ये जो 210 डिग्री है ये 180 से बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि 210 जो है वो तृतीय चतुर्थांश पर आएगा। तो इसे आप 270 ऋण थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं और 180 धन थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिख रहा हूँ कॉट ऑफ 270 माइनस 60 डिग्री। अब आपको ये पता है कि 270 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। कॉट किस में चेंज होता है? टेन में चेंज होता है। और तृतीय चतुर्थांश पर टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से हमें जो मान मिलेगा वो होगा 1060 और 1060 का मान होता है √3। तो इस तरीके से कॉट 570 डिग्री ये जो होगा ये √3 होगा। अब हमें याद करना है टेन 480 डिग्री। फिर से देखते हैं कि ये 360 से बड़ा है लेकिन 720 से छोटा है। तो 360 प्लस थीटा के फॉर्म पे इसे लिखा जा सकता है। तो इसे हम लिख सकते हैं टेन 360 प्लस 120। चलिए टेन 360 प्लस थीटा ये होता है टेन थीटा। तो आपको मिल जाएगा टेन 120 डिग्री। टेन 120 डिग्री की वैल्यू आपको पता है तो आप सीधे लिख सकते हैं और नहीं पता तो इसे हम लिखेंगे टेन 90 प्लस 30। टेन 90 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमिति निष्पत्ति बदल जाती है। टेन किस में कन्वर्ट होता है? कॉट में। तो ये मिलेगा कॉट थीटा। 90 प्लस 30 इसका मतलब ये है कि ये जो 120 डिग्री है ये द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित है और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, शेष त्रिकोणमिति निष्पत्ति निगेटिव होता है। तो इस वजह से हमें जो मान मिलेगा ये माइनस कॉट 30 मिलेगा और इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन
टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री माइनस वन अपॉन वन बाई रूट थ्री, तो इसे जब हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस रूट थ्री। तो इस तरीके से टेन 480 डिग्री इक्वल टू माइनस रूट थ्री। चलिए अगला प्रश्न है, कॉस 270 डिग्री। तो ये अगर आपको सीधे वैल्यू पता है आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो हम इसे कॉस 270 प्लस 0 डिग्री के फॉर्म पे लिख सकते हैं। कॉस 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बदल जाती है, ये हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पर 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री आएगा। देखिए 270 डिग्री प्लस थीटा ये चतुर चतुर्थांश पर होगा, और कॉस इसमें पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पर ये प्लस का साइन होगा, और कॉस और साइन 0 होता है, तो इस वजह से हमें मिल जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कॉस 270 डिग्री इक्वल टू 0। अगला प्रश्न है, साइन ऑफ माइनस 11 बाई 3 पाई या 11 पाई बाई 3। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ 11 पाई बाई 3। क्यों? साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर आपको ये पाई रेडियन से कन्फ्यूज़न होता है तो पाई के जगह 180 अंश रख दीजिए, तो मिल जाएगा माइनस साइन 11 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3। और इसे जब आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन 660 डिग्री। अब ये देखिए कि पहला जो चक्कर होता है यहाँ पर अब 360 डिग्री चक्कर हो जाता है, दूसरा में 720 डिग्री, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये 360, अगेन दूसरा चक्कर 720। तो देखिए कि ये जो एंगल है 660 डिग्री, ये 360 अंश से बड़ा है लेकिन 720 अंश से छोटा है, और ये सबसे पास में है 720 अंश के। तो इसे हम देखते हैं कि 720 से अगर मैं 660 को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि 720 माइनस 60 इक्वल टू 660 होगा, तो इस 660 को मैं 720 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस साइन 720 माइनस 60 डिग्री। अब 720 का मतलब क्या है? माइनस साइन 2 टाइम्स 360 माइनस थीटा। अब यहाँ से देखिए कि ये 360 का मतलब है, 2 टाइम्स 360 का मतलब ये दो चक्कर हो चुका है, लेकिन माइनस थीटा आ रहा है, मतलब उल्टे दिशा में यहाँ पर मापन हो रहा है, और ये चौथे चतुर्थांश पर स्थित होगा, और चौथे चतुर्थांश पर साइन जो होता है वो निगेटिव होता है, या फिर इसे दूसरे तरीके समझ सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो आप ये माइनस तो पहले का है, और इसके बाद ये माइनस साइन 60 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे, और हम आगे लिखेंगे साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3/2। तो इस तरीके से हमें मान मिल गया साइन माइनस 11 पाई बाई 3 इक्वल टू रूट 3/2। अगला प्रश्न है, कॉट माइनस 15 पाई बाई 4। तो फिर से आपको अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं 180 डिग्री से रेडियन को, तो ये हमें मिलेगा कॉट माइनस 15 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 4। इसे जब आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉट ऑफ माइनस 675 डिग्री। कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं माइनस कॉट 675 डिग्री। अब देखिए ये 675 डिग्री है, ये 360 से बड़ा है और 720 से छोटा है, लेकिन सबसे पास में है वो 720 के। तो यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन किया था इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, और इसको कैलकुलेट करके आप लिख सकते हैं, ये माइनस साइन पहले से है, कॉट 720 माइनस 45, या फिर माइनस कॉट ऑफ 2 इंटू 360 माइनस 45 डिग्री। तो कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो यहाँ से ये माइनस तो पहले से है
और इसे जब आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉट 45 डिग्री। माइनस और माइनस प्लस, इस तरीके से आपको मिलेगा कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, नहीं पता तो आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन 45, और टेन 45 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से आपको मिलेगा कॉट ऑफ माइनस 15 पाई बाई 4 इक्वल टू 1।